गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तस्वीरें साफ हो चुकी है, परिणाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर से गुजरात की सत्ता में काबिज होने जा रही है। हिमाचल में भी बीजेपी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। हालांकि चुनाव परिणाम खासकर गुजरात की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस ने कड़ी चुनौती पेश की थी बीजेपी के सामने। हालांकि चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर बात आगे भी साफ हो गई है कि पिछले 22 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी एक बार फिर से अपनी कुर्सी संभालने जा रही है। इस पूरे मामले पर, चुनाव परिणाम पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंदौर नगर अध्यक्ष भाजपा के कैलाश शर्मा जी। कैलाश जी, फिर से एक बार बीजेपी ने कमाल दिखाया है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो कांटे का मुकाबला जरूर कहा जा रहा था, आगे पीछे और पीछे आगे का लगातार यहाँ पर रेस चल रही थी, लेकिन जो सामने परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में ऊपर नीचे सेंसेक्स का होना एक स्वाभाविक है, ये उसकी रोचकता भी है। पर जैसा कि विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो जीतने के पीछे उसका कारण भी था विकास और मोदी जी का व्यक्तित्व। वो भारतीय जनता पार्टी का पारदर्शी चरित्र, उन्होंने विकास किया, वो राजनीति की शुद्धता इतनी करी कि आज तक केंद्र की सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाए। हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कड़े निर्णय लिए गए, GST से संबंधित हो, नोटबंदी से संबंधित हो, हमारी कभी कांग्रेस से तो वह फाइट रही नहीं। हमने हमारे ही जो निर्णय करे थे सरकार के, हमारे उस निर्णय के ऊपर ही हमने वहाँ पर बात करी है और ये हमने बताया। कुछ लोगों ने गुजरात में भ्रम पैदा किया और राजनीति के स्तर को बहुत नीचे गिराया, और मोदी जी ने सारी गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये बताया कि मैं तो विकास के ऊपर ही विश्वास करता हूँ, और विकास उन्होंने प्रत्यक्ष करके बताया और उसी का आज ये नतीजा है कि जनादेश हमारे साथ में। मैं गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, 150 के लगभग सीटों का अनुमान दावे तमाम बड़े नेताओं ने जताए थे, लेकिन 110 के अंदर अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें तो 15 सीटें प्लस में तकरीबन आ रही है, ऐसे में बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस ने पेश की है और राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी का ये मुकाबला था, ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है बीजेपी के लिए खास तौर पर? आपने देखा कि गुजरात के अंदर जातिवाद का जहर घुला, आरक्षण को भी मुद्दा बनाया गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने रखे गए जिससे वहाँ का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की गई। पर जब विकास की बात वहाँ पर आई और देश की बात आई तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई ही नज़र आ रही है। और प्रश्न है राहुल गांधी जी का, तो उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर असफल हुए हैं। नैतिक जिम्मेदारी होती है राजनीति में, यदि हारता है तो आदमी इस्तीफा देता, पर वो 20 बार हार चुके हैं और आज तक उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, पर हर हार में उन्होंने अपनी तरक्की ही बताई है। तो मैं उनसे ये आशा भी नहीं रखता हूँ कि वो ऐसा नैतिक बल बताएंगे। सीटें कुछ कम हुई है बीजेपी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है। ये तो मंथन का हमारे लिए विषय होता है, हर चुनाव में मंथन तो करते ही हैं और विश्लेषण भी करते हैं। ये विश्लेषण और मंथन आएगा उस वक्त तो बात करेंगे, आज तो जीत का आनंद है। एक बड़ा सवाल है, क्या ये परिणाम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में भी असर डालेंगे क्योंकि आगामी मिशन 2018 की तैयारियां भी अब मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है? मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। वो भारत में जहाँ भी चुनाव आएंगे सरकार बनेगी, वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये थे भाजपा के नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से के चुनाव परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं मोदी का जादू यहाँ पर बरकरार रहा है। हालांकि कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया है उसके बाद में कहीं ना कहीं अब बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है कि सीटें जो कम हुई है उसको लेकर अब आगे किस तरह से यहाँ पर पार्टी में जो है वो मंथन होगा और क्या आने वाले दिनों में समीकरण बनेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ है, गुजरात और हिमाचल में बीजेपी सरकार अपने झंडे गाड़ चुकी है। फिलहाल कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ पीयूष पारे, MP News इंदौर।